नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आप दिख रहे हैं भोजपुरी की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पहली खबर है भोजपुरी की जुबली स्टार दिनेश लाल दिनेश रहुआ जी की तरफ से। इस समय निरहुआ जी की एक नई फिल्म का जोरों शोरों से शूटिंग किया जा रहा है। फिल्म का नाम है बलमा बड़ा नदान। इसके बाद दिनेश लाल निरहुआ जी पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म का शूटिंग करने वाले हैं। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से। पवन सिंह का एक पुराना छठ गीत गाना आने वाला है टी सीरीज हमार भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से, जिस गाने का नाम है जल बीच खड़ा हुई। और पवन सिंह के नए छठ गीत गाने का भी तैयारी शुरू हो गया है और बहुत जल्द पवन सिंह का नया छठ गीत गाना भी आने वाला है। अगली खबर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की तरफ से, जिनका एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के बीच आने वाला है, जिस गाने का नाम है बदनाम तहरा से। इस गाने को रिलीज किया जाएगा आज सुबह 11 बजे बदनाम एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे। गाने को सुनिएगा, बहुत ही शानदार सैड सॉन्ग गाना होने वाला है। अगली खबर है भोजपुरी के एक्शन किंग अश्वर मिश्रा की तरफ से, जिनकी एक बहुत ही शानदार फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र। इस फिल्म के ट्रेलर को आप सभी के बीच रिलीज किया जाएगा यश कुमार एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे 1 तारीख को सुबह 7:30 पे। ट्रेलर को देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रेलर होने वाला है। अगली खबर है प्रमोद प्रेमी यादव की तरफ से, जिनका एक बहुत ही शानदार छठ गीत गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है अगरबत्ती भुला गई। इस गाने को रिलीज किया जाएगा 29 तारीख को सुबह 6 बजे प्रेमी धुन के यूट्यूब चैनल पे। गाने को सुनिएगा, बहुत ही शानदार छठ गीत गाना होने वाला। अगली खबर है भोजपुरी फिल्म हर घर की यही कहानी के तरफ से। इस फिल्म को बहुत जल्द बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया जाएगा, यानी 5 से 6 दिन के अंदर में इस फिल्म को बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म को यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई गई है। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से। पवन सिंह का एक नया तस्वीर निकल के आया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पवन सिंह जिम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप सभी को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग की अच्छी खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।